Good morning, students. So now we will study the different basicity of amines. So there are primary amine, secondary amine, tertiary amine, and ammonia. तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ पे structure draw कर देता हूँ कि nitrogen है. Okay, तो nitrogen के अंदर एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन एंड ये थर्ड हाइड्रोजन. तो ये क्या हो गया, अमोनिया. चलो अगर यहाँ पे मैं एक अल्काइल ग्रुप रख देता हूँ तो ये हो जाएगा प्राइमरी एमाइन. चलो दो अल्काइल ग्रुप मैंने रख दिए, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता जाएगा कार्बन से, सेकेंडरी एमाइन बन गया एंड तीन अल्काइल ग्रुप मैं कर देता हूँ तो ये हो जाएगा टर्शियरी एमाइन. तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, चलो इसका बेसिसिटी ऑर्डर कैसा होगा. सो वी नो दैट एमाइन इज अ लुईस बेस, दैट मीन्स इट एक्सेप्ट प्रोटॉन, एंड वी ऑल्सो नो दैट अमोनिया हैज अ बेसिक नेचर, एंड बेसिक नेचर इसीलिए है क्योंकि वो एच प्लस एक्सेप्ट कर सकता है. तो चलो सबसे पहले सिंपलेस्ट रिएक्शन देखते हैं कि अगर हमने अमोनिया लिया है यहां पे, अमोनिया, तो वो H प्लस एक्सेप्ट करता है. तो क्या होगा, नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज इन अमोनियम आयन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अमोनियम आयन बन गया एंड यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज. चलो पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि उसने अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो H प्लस को डोनेट कर दिए हैं. ओके चलो H प्लस एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स अमोनिया इज अ लुईस बेस, अमोनिया इज अ लुईस बेस. चलो उसके साथ कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं, तो प्राइमरी अमाइन को सिंपल कंपेयर करते हैं. कि प्राइमरी एमाइन है वो भी H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा. ओके तो डिफरेंस कहाँ पे होगा, अब कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, कौन सा कम बेसिक होगा. सो हियर अल्काइल ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ओके अल्काइल ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसकी इंटेंसिटी को वो कम करेगा, उसकी इंटेंसिटी को वो क्या करेगा, कम करेगा. यहाँ पे सभी हाइड्रोजन है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो क्या करेगा कि इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा. तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब ये जो अमोनियम आयन बना है प्राइमरी एमाइन का, वो क्या होगा, अमोनियम जो सिंपल अमोनिया से बना था उसके आयन से ज़्यादा स्टेबल होगा.
इट इज मोर स्टेबल देन द बेसिसिटी ऑफ द प्राइमरी एमाइन इज हायर देन एमोनिया. ये आपको पता चलना चाहिए कि अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है एच प्लस को एक्सेप्ट करने की वजह से, तो अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, उसके पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम करेगा. कैसे? अपने इलेक्ट्रॉन वहां पे भेज के, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी दैट मीन्स बेसिसिटी इंक्रीज होगी. तो यहाँ पे हम लोग सिंपली आपको एमसीक्यू के लिए, ये टॉपिक थियोरेटिकल ऐसे नहीं पूछा जाता पर एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो जनरल आपको याद रखना है कि प्राइमरी एमाइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NH3 है, तो NH3 से ज़्यादा स्टेबिलिटी प्राइमरी एमाइन की होगी, उससे ज़्यादा सेकेंडरी एमाइन एंड उससे ज़्यादा टर्शियरी एमाइन. चलो टर्शियरी एमाइन की क्यों सबसे ज़्यादा होगी, तो अब तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इन सेकेंडरी एमाइन देर आर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, टर्शियरी एमाइन देर आर थ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. सो पॉजिटिव चार्ज जो बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा. यहाँ पे क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट, एंड उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो स्टेबिलिटी है कंपाउंड की पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन की वो इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी बेसिसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगा. ये क्या लिखा है हमने, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया का सबसे कम होगा, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शियरी एमाइन. ये आपको याद रखना है, इसके अंदर मिस्टेक होना चाहिए नहीं. ओके चलो इसी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, अब इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये बहुत ही एक डिफरेंट यहाँ पे मोड आ जाता है कि वाटर के साथ डिसॉल्व करने से पूरा जो सिनारियो है वो ही चेंज हो जाता है. ये हमने लिया है सिंपली, आपको एक्वियस सॉल्यूशन नहीं बताया है, एक्वियस सॉल्यूशन नहीं है. यहाँ पे चलो मैं कर देता हूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा टर्शियरी एमाइन का होगा. ओके ये हमने सीखा कि ऐसा क्यों होता है. तो चलो इसके साथ साथ ये भी एक याद रख लो कि कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होंगे तो फिर बेसिसिटी इंक्रीज होगी एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होंगे तो फिर बेसिसिटी डिक्रीज होगी. ओके ये भी बहुत है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे तो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, बट ऐसा कंपाउंड देखते हैं कि जिसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहीं पे भी क्या करेंगे, बेसिसिटी डिक्रीज करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहीं पे भी बेसिसिटी इंक्रीज करेंगे. ओके ये हम लोग बेसिकली अल्कोहल में भी देख चुके हैं कि फिनॉल है एंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड. सो द एसिडिक नेचर ऑफ पिक्रिक मतलब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल. ओके NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और वैसे ही अगर दूसरा कुछ कर देते हैं कि मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं कि 2-methyl phenol और फिनॉल है तो 2-methyl phenol की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी. ओके जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होते जाएंगे कंपाउंड में, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करेंगे तो फिर बेसिसिटी इंक्रीज होगा. ओके चलो अब देखते हैं एक्वियस सॉल्यूशन. फॉर एक्वियस सॉल्यूशन दैट मीन्स अगर हमने प्राइमरी लिया है तो क्या हो जाएगा,
एक्वियस के लिए मैं जनरली ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज होंगे, एच बॉन्ड सिंपली याद रखते हैं, इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी, इंक्रीज होगा एंड उसकी के साथ साथ बेसिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्वियस सॉल्यूशन दैट मीन्स एमाइन प्लस वाटर. ओके, तो H प्लस तो वो एक्सेप्ट कर रहा है कोई भी आयन, बट उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. कि अगर देखते हैं प्राइमरी एमाइन, सो प्राइमरी एमाइन हैज टू हाइड्रोजन एंड अगर एमोनियम आयन देखते हैं प्राइमरी का तो उसके साथ क्या है, तीन हाइड्रोजन है. मतलब क्या हो सकता है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो तीन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. सेकेंडरी में क्या होगा, टर्शरी में क्या होगा, तो सेकेंडरी में अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, टर्शरी में उससे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन फॉर्म कर पाएगा, तो अगर बोला जाए तो अमोनिया, एक्वियस अमोनिया होता है वो, बट यहाँ पे हम लोग एमाइन की बात कर रहे हैं. तो प्राइमरी एमाइन होगा, प्राइमरी एमाइन उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, तो प्राइमरी एमाइन की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी एमाइन एंड उसके बाद टर्शियरी एमाइन, उसके बाद टर्शियरी एमाइन. ओके, यहाँ पे देखो पूरा उल्टा हो गया, यहाँ पे प्राइमरी एमाइन का कम था, सेकेंडरी का टर्शियरी का सबसे ज़्यादा था, तो यहाँ पे तो पूरा उल्टा हो गया. सो क्वेश्चन आपको बराबर देखना है, उसको समझना है कि आपको एक्वियस सॉल्यूशन बोला है या तो फिर सिर्फ एमाइन बोला है. एक्वियस सॉल्यूशन है तो फिर क्या होगा, प्राइमरी एमाइन का बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकेंडरी एमाइन एंड उसके बाद टर्शियरी एमाइन. ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको समझाया वैसे तो, ये ऑर्डर आपको जनरल याद रखना है, बट इसके अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलता है कि यहाँ पे कौन से इफ़ेक्ट, एक तो प्लस आई इफ़ेक्ट है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट हो जाएगा बराबर, तीसरा रिपल्जन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि रिपल्जन की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, अगर बड़े ग्रुप प्रेजेंट है तो रिपल्जन भी हो सकता है. तो ये बहुत सारे टॉपिक है, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं बेसिकली किसके साथ. तो एक बार मिथाइल ग्रुप लेते हैं एंड एक बार इथाइल ग्रुप लेते हैं. ओके, तो ये दोनों के अंदर अगर हम लोग रिपल्जन देखें तो क्या होगा, C2H5 का रिपल्जन ज़्यादा होगा बिकॉज साइज क्या है, साइज इथाइल का ज़्यादा है मिथाइल से, तो इसकी वजह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं C2H5 उसका रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो दोनों के अंदर जो वेरिएशन देखने को मिलता है स्टेबिलिटी के हिसाब से वो कुछ अलग ही है, कि अगर इथाइल लिया है तो सेकेंडरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है. ओके, फॉर इथाइल ग्रुप आपको याद रखना है कि अगर C2H5 ट्वाइस NH दैट मीन्स सेकेंडरी है बराबर, सबसे ज़्यादा वो स्टेबल है, देन
प्राइमरी एंड देन एमोनिया। ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो क्या बोला है कि प्राइमरी उसके बाद सेकेंडरी, सॉरी ये वाला हमारा रूल आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा तो टर्शरी होना चाहिए, तो सेकेंडरी क्यों है यहाँ पे? तो ड्यू टू रिपल्सन, बड़ा ग्रुप है C2H5, बड़ा ग्रुप हो जाने की वजह से क्या होगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगा, उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है। और वही चीज़ अगर यहाँ पे देखते हैं मिथाइल के अंदर, तो मिथाइल के अंदर भी वही हो रहा है, बट उसके अंदर भी एक चेंज है। मिथाइल के अंदर भी सेकेंडरी का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आ जाता है प्राइमरी, उसके बाद टर्शरी एंड लास्ट एमोनिया। ये जो ऑर्डर है आपको याद रखना है, ये जो ऑर्डर है वो आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड एमसीक्यू में ये बहुत बार पूछा गया है एमसीक्यू के अंदर। ओके, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे एलिफेटिक एमाइंस का कंप्लीट होता है, हम लोग आगे देखेंगे अभी एरोमेटिक एमाइंस के अंदर। सो इन एरोमेटिक एमाइंस अगर हम लोग देखते हैं तो एनिलिन, उसकी स्ट्रेंथ एलिफैटिक एमाइन से कम है। एलिफैटिक एमाइन से, कोई भी एलिफैटिक एमाइन ले लो, मिथाइल एमाइन ले लो, इथाइल एमाइन ले लो, और एनिलिन है, तो एनिलिन इज लेस बेसिक देन एलिफैटिक एमाइन्स। व्हाई? बिकॉज द प्लस आर इफेक्ट ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट इन एनिलिन नाइट्रोजन विल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग एंड उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। बट इन एनिलिनियम आयन, जो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर पे देखा था कि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होगा, NH3 हो जाएगा और बेंजीन है, तो उसके सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो उसकी वजह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एरोमेटिक एमाइंस अगर ले रहे हैं तो इन एरोमेटिक एमाइंस एनिलिन की बेसिसिटी है वो एलिफेटिक एमाइंस से कम होगी। सो एरोमेटिक एमाइंस की बेसिसिटी एलिफेटिक एमाइंस से कम होगी ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से एनिलिन ज़्यादा स्टेबल है एनिलिनियम आयन से, तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी की ओर में वो प्लस एच प्लस वो एक्सेप्ट ज़्यादा अमाउंट में नहीं कर पाएगा। ओके, एलिफेटिक एमाइंस से, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एलिफेटिक एमाइंस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनिलिन की बेसिसिटी कम होगी। ओके, यहाँ पे भी ये तो इफेक्ट आएगा ही आपको शायद। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, NH2 है सिर्फ, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे डाल दिया है चलो NO2, NH2 एंड यहाँ पे डाल दिया है CH3। ओके, सो हियर NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
तो यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे इंक्रीज होगा, बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी वैसे भी, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी। सो CH3 इज़ ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे कम बेसिक कौन होगा, तो वो होगा ये जो विड्रॉइंग ग्रुप वाला है वो, उससे ज़्यादा बेसिक होगा एनिलीन, और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप वाला, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ऐसे ही एसिडिक कैरेक्टर भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर तो नाइट्रो वाला होगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में MCQ में पूछे जाते हैं, तो बेसिक नेचर आपको याद रखना है, बेसिक उसका जो स्ट्रेंथ के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से याद रखना है। तो इसके साथ साथ थियोरेटिकल पोर्शन चैप्टर का हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।